अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज है जुम्मा का दिन। जुम्मा के दिन की जो मेरी रूटीन होती है वो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो ब्रेकफास्ट हो चुका है और ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग डन हो गई है। और ये बाउल सेट जो आप लोग देख रहे हो ना, ये मेरे हस्बैंड को एज अ गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट मिला है। और मैं अब आ गई हूँ किचन में। थोड़ा सा काउंटर टेबल को जो है ना एक गीले कपड़े से क्लीन कर लूँगी और उसके बाद ही मैं अपनी कुकिंग स्टार्ट करूँगी। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है क्योंकि हम लेडीज़ का मैक्सिमम टाइम है ना किचन में गुजरता है। अगर वो नीट एंड क्लीन हो, सारी चीज़ें तरतीब से रखी हुई हो ना, तो हमारा मन भी करता है वहाँ पर काम करने का। और जब मैं घर में अकेली होती हूँ और काम कर रही होती तो मैं इस तरह किरत लगा देती हूँ ताकि वो भी सुनती रहूँ और साथ साथ मेरा काम भी चलता रहे। जो अप्लायंसेस हमारे किचन में रखे होते हैं काउंटर टेबल पे स्पेशली और रोज़ाना यूज़ में आते हैं, उनकी सफाई का भी हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पे बस ये एक दो चीज़ें ही जो मेरे काउंटर टेबल पे रखी हुई, एक ये फूड प्रोसेसर है और दूसरा ये इलेक्ट्रिक केटली है जो काउंटर टेबल पे ही मैं रखती हूँ। और इसे है ना जब भी मौका मिलता है ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। एक गीला कपड़ा फिरा लेने से ही हमारी ऑलमोस्ट सारी क्लीनिंग डन हो जाती है। इसी तरह किचन ट्रॉली जो होती है, खाना बनाते वक्त हम पता नहीं कितनी मर्तबा जो है ना इसे हाथ लगाते हैं, स्पून प्लेट्स वगैरह निकालने और रखने के लिए। तो इसके लिए इस पे भी एक जो है ना इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये काम कुकिंग करने से पहले ही हो जाए ना तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट जो है ना एक क्रिएट हो जाता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि हाँ हमारी पूरी क्लीनिंग डन हो चुकी है, अब हम इत्मीनान से खाना बना सकते हैं। तो ये सारे काम हो जाने के बाद मैंने ये जो फ्रेग्रेंस कैंडल है वो लगा दिया ताकि एक अच्छी सी खुशबू किचन में आ सके। तो ये सारे काम निपटाने के बाद अब मैं शुरू कर दूंगी कुकिंग। तो आज मैं वन पॉट डिश बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव। और फ्राइडे को मोस्टली मैं दाल और ऐसी चीज़ें बनाती हूँ, दाल गोश्त या दाल चावल, बट आज मैं पुलाव बना रही हूँ। वन पॉट डिश भी अच्छी रहती है। तो यखनी बनाने के लिए मैंने गोश्त धो के थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिंजर और गार्लिक साबुत डाल दिए हैं, एक अनियन कट करके डाल दिया है और एक दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, लौंग और काली मिर्च डाला है। ये सौंफ है, सौंफ का बहुत अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। तो ये जो है ना इस स्ट्रेनर में डाल दिया है क्योंकि फिर बाद में छानना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर इसमें सॉल्ट डाल दिया और लीड लगा के रख दिया है गोश्त को गलने के लिए। तो जुम्मा का दिन जो होता है ना वो थोड़ा सा बिजी होता है क्योंकि अब इबादत भी होते हैं, तो उसके लिए हमें जो है ना बहुत तरतीब से काम करना होता है। तो जब तक गोश्त गल रहा था मैंने नहा लिया और चेंज करके आ गई हूँ और अब मैं पुलाव को बघाड़ दूँगी। तो इसके लिए एक अनियन कट कर लिया है और सारे साबुत गरम मसाले ले लिए हैं। एक बर्तन में ले लिया है ऑयल और उसमें डाल दिया है तेज़पत्ता और फिर उसके बाद में मैं डालूँगी प्याज और प्याज को हल्का सा हम सौते कर लेंगे, थोड़ा सा फ्राई कर देंगे हल्का ब्राउन होने तक।
प्याज हल्की सी फ्राई होने के बाद मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला और कटी हुई ग्रीन चिली। तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 ग्रीन चिली ली है, 2 टीस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, और यहाँ पे मैं 1/2 kg बीफ का पुलाव बना रही हूँ, जिसके लिए 10 से 12 जो है ना ग्रीन चिली इनफ होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारी ये गोश्त भी अच्छी तरह से गल गया, तो ये स्ट्रेनर को हम निकाल लेंगे क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। और ये देखिए गोश्त भी ना बहुत अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट गल के तैयार हो गया है। तो जैसे ही मसाले सारे भून जाएंगे तो मैं इसमें डाल दूंगी कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून, और साथ में डालूंगी गरम मसाला पाउडर, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून, और सॉल्ट डालेंगे, और साथ में डालूंगी आलू और मटर। तो मटर पुलाव में बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए अगर सीज़न है और घर में अवेलेबल है तो आप मटर ज़रूर डालिए। और इसे इसके बाद जो हमने गोश्त की यखनी निकाली थी ना, तो वो सारा इसमें डाल देंगे। अभी मैंने इसमें गोश्त नहीं डाला है, चावलों के हिसाब से थोड़ा और पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसे ढक के कम 5 मिनट्स के लिए हम पका लेंगे। और जैसे ही इसमें जोश आ गया है ना, तो चावलों को धोकर हमें इसमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से चलाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे गोश्त, क्योंकि गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है तो इसे हमें लास्ट में ही ऐड करना है। और अब हम पुलाव को रख देंगे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, और जब तक ये बन रहा है मैं बना लूँगी कचुंबर दही का और प्याज का कचुंबर जो नॉर्मली हम बनाते हैं। और अब पुलाव बनने के बाद जो मेरा अहम काम होता है जुम्मा के दिन, जो मेरी रूटीन में है और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, सूरह काफ पढ़ना, ये मैं पूरी कोशिश करती हूँ। कभी ऐसे हो जाता है कि छूट जाता है या मौका नहीं मिलता, वरना फ्राइडे के दिन सूरह काफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये जो है ना वो दुनियावी फितनों से, दज्जाली फितनों से हमारी हिफाजत करेगा, और ये आप ज़रूर पढ़िए जुम्मा के दिन। अगर अब तक आपने नहीं पढ़ा तो आप अपनी आदत में ये शामिल कर दीजिए। और उसके बाद हो गई जोहर की अदायगी, और ये देखिए पुलाव बन के रेडी हो गया। तो बस अब खाने का वक्त हो गया है, तो हम ये खा लेंगे और हमारा जुम्मा जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।